जो रिकवरी वाला जो दौर है ये अभी जारी रहेगा। हमने देखा कि स्टॉक 2800-2900 रुपए के आसपास था, वहां से गिर के ये 2200-2300 हो गया था, अब तो संभालने की कोशिश कर रहा है ये। जो दो स्टॉक के बारे में आपने अभी मेंशन किया है, मतलब बीएसई और सीडीएसएल, बीएसई का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें देखिए पिछले 8 सेशन के अंदर ये बॉटम बना के ऊपर चला है, थोड़ी सी छोटी सी एक करेक्शन दिखाया और आज के दिन वही करेक्शन का लेवल से शुरू करके अभी 2550 पर है और ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। 2750 का टारगेट मिनिमम हासिल होना चाहिए आने वाले दिनों में, और ऊपर में 3000 क्रॉस करने से ये दोबारा 3200 का लेवल भी छू सकता है। ये जिस देखिए बहुत महीनों के बाद में जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होता है, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन या बड़ा बिग प्लेयर्स वो लोग पोजीशन लेते हैं और इसमें वही दिखाई दिया है, तो इसमें अच्छी खरीदारी की संभावना दिख रहा है। और अभी मूविंग एवरेजेस भी यही इंडिकेट कर रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट डेफिनेटली आने वाला है। अभी हम लोग इतना जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म प्लेयर्स कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर्स डेफिनेटली इसमें अभी हाजिर हो जाएंगे। और जहां तक सीडीएसएल का सवाल है, सीडीएसएल के बहुत अच्छी सिचुएशन पे है, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 2650 से 2600 के बीच में कुछ सप्लाई आ सकता है, वो सप्लाई अगर पार करके ये ऊपर की तरफ चलना चालू करे तो एक अच्छी मूवमेंट जहां पे आप 2750 से 2800 तक भी देख सकते हैं।